सोहेल उसकी फैमिली कैसे आप लोग होप करते हो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑल यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक का ब्लू एडिशन के बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आपके सामने ये ब्लू एडिशन खड़ी है, जो कि दोस्तों दूर से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने इस ब्लू एडिशन में किए हैं एज कंपेरिजन टू जो इसका कैनवास एडिशन आता है या फिर एक्सटेक जो एडिशन आता है। वैसे दोस्तों ये भी एक्सटेक एडिशन ही है, बट एक्सटेक के अंदर एक ब्लू एडिशन कंपनी ने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स इस बाइक के बारे में बात करते हैं और आपको सारे ही डिटेल्स देते हैं इस बाइक के बारे में और एक लास्ट बात करेंगे प्राइस के बारे में। इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि फ्रंट लुक में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल आपको इस बाइक में लुक वाइज कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको काफ़ी खूबसूरत ये ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप इसे सामने से देखते हैं तो ये कलर आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है दूर से ही। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर आप लोग को सेम एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक सेट का डीआरएस देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये जो डीआरएस है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं, ये दूर से ही लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं। बाकी नीचे आपको लो बीम ऊपर हाई बीम और इंडिकेटर्स आपको सेम डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं। वैसे इसका इंडिकेटर्स भी काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के अंदर आता है। बाकी इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का वाइजर, जिसके ऊपर आपको हीरो का 3D लोगो देखने को मिल जाता है। मडगार्ड का डिज़ाइन वगैरह भी सेम है। तो ओवरऑल ये बाइक डिज़ाइन वाइज पूरी तरह से सेम है। बात करते हैं फ्रंट टायर के बारे में, तो इसमें आपको 80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी लाजवाब ग्रिप ऑफर कर देता है। और सस्पेंशन भी सेम आपको देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं ये बाइक को काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है विथ IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी लाजवाब मिलने वाला है, ब्रेकिंग वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। 180 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस बाइक के साथ, आप इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। बाकी साइड लुक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज आपको नोटिस होने वाला है वो है दोस्तों ये बैजिंग। तो पहले आपको एक्सटेक का बैजिंग आपको नहीं आता था, इस ब्लू एडिशन के साथ कंपनी ने एक्सटेक का एक बड़ा बैजिंग टैंक के ऊपर दे दिया है, जिसके चलते दूर से ही पता चल जाएगा कि ये ग्लैमर एक्सटेक का मतलब कि एक्सटेक वेरिएंट है। और ग्राफिक्स आपको काफ़ी मिनिमल मिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इस बाइक के साथ काफ़ी प्रॉपर शूट करते हैं। इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इंजन वाइज भी ये बाइक पूरी तरह से सेम है और सेम पावर प्रोड्यूस करती है। तो इंजन के बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, वही 125 cc का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक के सीट के बारे में, तो इस बाइक का सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और काफ़ी एरिया के साथ आपको मिलता है, यानी कि राइडर प्लस प्रीमियम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा एरिया आपको बैठने के लिए मिल जाता है और कंफर्ट भी काफ़ी लाजवाब है, जो कि यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बाइक के रियर लुक के बारे में, तो उसके लिए मैं इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको LED के डिज़ाइन में आपको रियर टेल लैंप देखने को मिल जाता है। वैसे ये LED नहीं है, हैलोजन ही है, बट इसका स्ट्रक्चर वैसा बनाया गया कि ये दूर से ही LED का आपको फील देता है। बाकी मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स काफ़ी खूबसूरत इस बाइक के। बात करते हैं रियर टायर के बारे में, तो रियर में आपको 100x80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सेगमेंट वाइज इस बाइक का टायर काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि होंडा एसवी में आपको 80 सेक्शन का ही देखने को मिल जाता है। तो ये जो बाइक है डायरेक्ट उसी बाइक का कॉम्पिटिटर है, बट इसमें आपको 100 सेक्शन का मिलता है, जो कि इस बाइक के लिए एक प्लस पॉइंट है। और रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जिससे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और कंफर्ट भी काफ़ी लाजवाब मिलता है इस बाइक में आपको। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो आप लोगों ने पहले काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, बट मैं फिर भी आपको शॉर्ट में डिटेल्स दे देता हूँ। तो ऐसा इस बाइक का स्पीडोमीटर है फुली डिजिटल, और यहाँ पर आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, ओडो, ट्रिप वन, यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हैं, तो टॉगल करते हैं ट्रिप टू, ब्लूटूथ का इसमें आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों एवरेज, यानी कि अभी जो बाइक है वो कितना माइलेज दे रही है, तो ये भी आपको पता चल जाता है। उसके बाद इको, तो इसमें आपको इको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप माइलेज इस बाइक से काफ़ी अच्छा निकाल सकते हैं अगर आप इस बेसिस पे चलेंगे तो। बाकी यहाँ पर आपको सारे वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात किया जाए इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो इस बाइक का स्पीडोमीटर काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, मतलब कि आपको कोई भी ऐसे फीचर नहीं है जो कि इस बाइक के स्पीडोमीटर में नहीं मिलते हैं, ये बाइक पूरी तरह से फीचर लोडेड है। तो अगर आपको एक फीचर लोडेड बाइक चाहिए तो भाई ये बाइक एक बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग का भी सुविधा देखने को मिल जाता है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।
तो अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेकर जाना चाहते हैं तो आराम से लेकर जा सकते हैं। कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, आपको चार्जिंग का भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको ITS का फंक्शन मिल ही जाता है, जिसके चलते माइलेज इस बाइक से काफ़ी अच्छा आपको निकल कर आता है। बाकी मिरर का डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर है, आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि व्यू पीछे का दिखने वाला है। तो दोस्तों ये था डिटेल्स अबाउट ऑल न्यू हीरो ग्लैमर XTEC ब्लू एडिशन। तो ये शॉर्ट में बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो गाइस अब बात करते हैं ऑल न्यू हीरो ग्लैमर XTEC ब्लू एडिशन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस आपको 87,290 रुपये देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राइस भी शो हो रहेंगे। बाकी दोस्तों बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो हमारे एरिया सासाराम रोहतास बिहार में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,03,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग जानना है एकदम एक्यूरेट वाला, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, आपको सारे ही बाइक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ से प्राइस को समझकर बाइक भी ले सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे सर्विसेज भी यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो शोरूम को विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको मतलब कि क्या ओवरव्यू है हमारे रिव्यू का, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून्ड, राइड हार्ड, राइड सेफ।